अस्सलाम वालेकुम, जावेद पब्लिशर्स में आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में हम किड्स मेरा कायदा ग्रेड 4+ के सबक सीन और शीन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। डियर टीचर्स, जैसे कि ये वीडियो सीन शीन मिलाकर आपके पास आएगी, आपने क्लास में इनको अलग अलग अपने पीरियड के हिसाब से कराना है। तो जब हम बात करते हैं लेसन की, अपने सबक की, तो हमारे पास हरफ है पहला सीन का, यानी हम बात करेंगे सीन के ख़ानदान की। जी, तो सीन की जब बात करेंगे तो सीन को कराने के लिए हम अपनी क्लास में फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। वो फ्लैश कार्ड्स जो जावेद पब्लिशर्स की तरफ से आपको फराहम किए हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कौन से सीन के फ्लैश कार्ड्स हैं? हमारे पास है सूरज, साइकिल, सेब। जी, आप बच्चों को बारी बारी करके तस्वीर दिखाइए और इन तस्वीरों के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए। मालूमात बच्चों से लीजिए और मालूमात बच्चों को दीजिए। मालूमात बच्चों से लेते हुए आप कोशिश कीजिएगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो बता सकेंगे वो तस्वीर को देख के उनको आइडिया होगा कि वो शक्ल कैसी है, रंग कैसा है, कहाँ पे पाया जाता है, वो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। आपने इससे आगे ख़ुद इन्फॉर्मेशन देनी है। हम बात करते हैं सूरज की। बच्चा इस फ्लैश कार्ड यानी इस तस्वीर को देख के आपको कुछ चीदा चीदा इन्फॉर्मेशन या उसके बारे में बात कर सकता है कि ये सूरज पीले रंग का होता है, लाल रंग का होता है, बहुत गर्म होता है, हमें गर्मी लगती है इससे, ये हमें गर्माइश पहुंचाता है। इस तरह की बातें आपको बता सकता है। अब जो बात, जो इन्फॉर्मेशन, जो वजाहतें आपकी तरफ से बच्चे के पास जानी चाहिए वो मुख्तलिफ हों, वो हों जो बच्चा उनको मज़ीद और उस तस्वीर को समझने में मददगार साबित हो। मिसाल के तौर पे जब हम सूरज की बात करते हैं, आपको पता है सूरज के बग़ैर दुनिया में कोई भी चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। इंसान, चरिंद, परिंद और पौधे बग़ैर सूरज के ज़िंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल, सूरज का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपको पता है सूरज जो है वो ज़मीन से 110 गुना ज़्यादा बड़ा है, यानी बहुत बड़ा है ये दुनिया से। बिल्कुल, और आपको साथ साथ इसके साथ एक और मज़े की बात बताऊं, सूरज को हम नंगी आंख से बिल्कुल नहीं देख सकते। जब भी हम देखते हैं तो हमारी आंखें एकदम छोटी सी हो जाती हैं और हमारी आंखों के आगे काला काला सा भी आ जाता है ना। तो बच्चों, जब भी सूरज की तरफ देखने की कोशिश करो तो बिल्कुल भी उसको देखना मत, क्योंकि आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। बिल्कुल, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप बच्चों को दीजिए। कुछ फैक्ट्स सूरज के, कुछ फैक्ट्स बताइए बच्चों को, साथ साथ सही और गलत की तलकीन भी कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या उनको करना चाहिए। इसी तरह आप बच्चों से साइकिल की बात कीजिए और सेब की बात कीजिए। सारी बातें करने के बाद आप इन तस्वीरों के नामों के बारे में बच्चों से पूछिए और उसके साथ साथ आप ये नाम जिस हरफ से शुरू होते हैं उस हरफ का की आवाज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाइए, बच्चों को बताइए, और वो है सीन की आवाज़ सूरज, साइकिल, सेब। इसको कराने के बाद आप बच्चों से किताब का सफ़ा खुलवाइए। सीन वाले हिस्से में जो तस्वीरें मौजूद हैं, एक एक करके बच्चों से उन तस्वीरों के बारे में दोबारा से बातचीत कीजिए। इसी तरह सीन को आप सामने रखते हुए आप शीन की बात करेंगे। बच्चों से आप शीन के फ्लैश कार्ड्स दिखाएं। हमारे पास शीन के कौन कौन से फ्लैश कार्ड्स हैं जो हमें जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मिले हुए हैं? हमारे पास है शीन शुतुरमुर्ग, हमारे पास है शलजम और शेर। बिल्कुल, अगर डियर टीचर्स आपके पास ये फ्लैश कार्ड्स नहीं है तो आप तस्वीरों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो जब हम बात करते हैं फ्लैश कार्ड्स की और तस्वीरों की, तो हम बात करेंगे बच्चों से कि इन तस्वीरों में उनको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों से शुतुरमुर्ग की, क्योंकि मुझे लगता है और हो सकता है कि बहुत से बच्चों ने शुतुरमुर्ग ना देखा हो। तो शुतुरमुर्ग दरअसल एक परिंदा है, आपको इस तस्वीर में भी देख के नज़र आ रहा है। किसके फेदर्स हैं, उसके पर हैं, और पर वाले जानवर तो परिंदे होते हैं। और सबसे मज़े की बात बताऊँ आपको, ये जो शुतुरमुर्ग है ये परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा है, और ये वो परिंदा है जो उड़ नहीं सकता। इसकी देखिए कितनी लंबी लंबी टांगे हैं। बिल्कुल, इसकी बहुत मज़बूत टांगे होती हैं, और ये वो परिंदा है जो बहुत तेज़ दौड़ता है।
बिल्कुल। और सबसे एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, जब मुझे और आपको डर लगता है तो हम क्या करते हैं, हम या तो भाग जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं, या हम बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं ना जो कि जब डर लगता है तो हम एकदम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शुतुरमुर्ग भी कुछ ऐसा ही करता है। जब इसको डर लगता है या इसको लगता है कि इसकी ज़िंदगी, इसकी जान को ख़तरा है, कोई शिकारी उसके पास आ रहा है, तो वो अपनी लंबी सी गर्दन को एकदम झुका के ज़मीन के पास कर लेता है और दूर से लगता है कि उसकी गर्दन और सर है ही नहीं, तो लगता है कि ये कोई चीज़ या कोई दरख्त है छोटा सा जो खड़ा हुआ है, और इस तरह से वो अपने आप को बचा लेता है। आपको पता था इसी वाली बात? नहीं पता था ना, आया मज़ा सुन के। इसी तरह की बात आप बच्चों को बताइए शलजम के बारे में और शेर के बारे में, उसके साथ साथ तस्वीरों के नाम पूछें, और उसके साथ आप इन्हीं तस्वीरों के नाम जिस हरफ से शुरू होते हैं उसके आवाज़ के बारे में बात करें। तो हमारे पास है शीन, शीन की आवाज़ है शुतुरमुर्ग, शलजम, शेर। फिर आप किताब खुलवाइए, किताब खोल के इन्हीं तस्वीरों के साथ बच्चों से दोबारा बातचीत कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं लिखाई की तरफ। सीन को लिखने के लिए हम नुक्ते से दो छोटी खम बनाएंगे और एक पेट बना देंगे। ये है हमारी सीन की शक्ल। शीन को लिखने के लिए हम नुक्ते से दो छोटी खम बनाएंगे और एक पेट बना देंगे और उसके ऊपर तीन नुक्ते डाल देंगे। ये है हमारी शीन की शक्ल। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों से हवा में लिखवाएंगी। बच्चे अपने कलाई पे लिखेगा, अपने पार्टनर की कमर पे लिखेगा, बोर्ड पे लिखेगा, मेज़ के ऊपर लिखेगा, सैंड ट्रे मौजूद है तो उसके ऊपर लिखेगा। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के बाद आप बच्चों से जावेद पब्लिशर्स की एक्टिविटी बुक के सफ़ात 45 से लेके 48 तक बच्चों से बारी बारी काम करवाइएगा। सीन और शीन, जिन जिन सफ़ात के ऊपर रंग भरवाने हैं वहाँ पे बच्चों से रंग भरवाइए। क्लास का काम क्लास में और घर का काम घर के लिए दे दीजिए। जब आपने लिखाई का काम करवा लिया और आप बच्चों की कारकर्दगी से मुतमईन हो गई हैं, तो यहाँ पे आप छोटी सी रीइंफोर्समेंट यानी कि दोहराई का काम करवा सकती हैं। दोहराई के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं जावेद पब्लिशर्स की तरफ से LED प्रोजेक्शन। LED प्रोजेक्शन के ऊपर वो सारी तस्वीर मौजूद हैं जो आपने बच्चों से शुरू में फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए और किताब के ज़रिए बच्चों से बातचीत की थी। इसी LED प्रोजेक्शन के साथ आप बच्चों की दोहराई करवाइए। दोहराई करवाते हुए ये मत भूलिएगा कि बच्चों ने इन्हीं हरूफ की आवाज़ के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद हम चलेंगे अपनी जांच की तरफ। जांच के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका है अब तक कि हमारे पास दो किस्म की जांच है, एक है ज़ुबानी जांच और दूसरी है लिखाई वाली जांच। तो ज़ुबानी जांच के लिए हम चलेंगे अपने LED प्रोजेक्शन की तरफ। बारी बारी करके तस्वीरें आएंगी, इन तस्वीरों के नाम मौजूद नहीं है तो यानी कि आप यहाँ पर बच्चों से तस्वीरों के बारे में बात करेंगी और बच्चों से सवाल करेंगी, बच्चे आपको इन तस्वीरों के बारे में बातचीत करेंगे, आपको जवाब देंगे, फिर आप बच्चों से इन तस्वीरों के नाम पूछिएगा और किस आवाज़ से शुरू होते हैं उसके बारे में पूछें। इसके बाद आप चलेंगी लिखाई की तरफ। लिखाई वाली जांच आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट्स मौजूद हैं, वो वर्कशीट्स बच्चों में तकसीम कीजिए और बच्चों से ये वाला काम बच्चे इंडिपेंडेंटली खुद करेंगे। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।